बैक टू माय चैनल। अभी मैं बनाने जा रही हूँ अरवी के पत्ते के पकौड़े। सो गाइस, कैसे बनते हैं भर के बनाने वाली हूँ। बहुत से लोग इसको काट के बनाते हैं। यहाँ मैंने लिया है बेसन, उसमें डाला है थोड़ा सा अजवाइन और थोड़ी सी हल्दी पाउडर और थोड़ा धनिया पाउडर, नमक, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला और आमचूर पाउडर। इतनी सारी चीज़ें डाल के मिक्स कर लिया है और 2 चम्मच मैंने सरसों का तेल डाल दिया है और इसको मिक्स कर लेंगे और इसका एक स्मूथ सा बैटर तैयार करेंगे। ज़्यादा ना ही गाढ़ा होगा ना ही ज़्यादा पतला होगा, एकदम चिकना चिकना सा बैटर होगा, जो लगा पत्ते पे लगाने में आसानी हो उतना। इसको मैं घोल लूँगी। घोलने के बाद इसको 15 मिनट्स, ओनली 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखूँगी, क्योंकि रेस्ट करने से ये फूल के जो बेसन है वो परफेक्ट बन के तैयार होगा। और यहाँ ये जो अरबी के पत्ते हैं, जी हाँ, ये इतने ख़राब लग रहे होंगे, पता है क्यों? क्योंकि ये 2 दिन पहले आ चुके थे और 2 दिन से मैं रोज आजकल आजकल बनाने के लिए कह रही थी, मैं भूल जाती थी कभी कभी। क्या होता था कि टाइम ही नहीं मिल पाता था दख्त के चक्कर में। और फिर क्या होता था कि ये जो पत्ते हैं इनको मैंने पानी में डाल के रखा था, तो ये 2 दिन के रखे हुए पत्ते हैं जो कि पानी में भिगो के रखे पत्ते जो थे, मेरे हस्बैंड लेके आए थे मेरे लिए, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। मेरे हस्बैंड को ये नहीं पसंद है तो मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा लग रहा होता। और हम औरतें क्या करते हैं कि अब केवल अपने लिए काम बढ़ाएंगे, खाने पीने के लिए जब बनाएंगे तो ये आज दिन टालते रहते हैं, केवल मुझे ही तो खाना है यार, दिन मुझे ही खाना है। तो चीज जब आ चुकी है, वैसे भी ऐसे लॉकडाउन में सब्जियां वगैरह मिल तो जाती हैं लेकिन बड़ी मुश्किल से होता है कभी कभी मिलना, तो ऐसी चीजें ना इतनी आसानी से नहीं मिलती हैं। फिर मैंने सोचा चलो आज अपने लिए तो बना ही सकते हैं, तो यार सुबह नाश्ते में मैंने अपने लिए ये अरबी के पत्ते बनाए। तो कुछ इस तरीके से तोड़ तोड़ के और काट काट के मैंने इनको जो अच्छा था जो सॉफ्ट था वो निकाल निकाल के मैंने परत बाई परत लगा लिया है। तो एक तो बन गया है, दूसरा बनाने के लिए पत्ते मिल नहीं रहे थे सही से, तो मैंने पहले कैची की, तो ये किचन की ही कैची है, इसकी हेल्प से मैंने थोड़े थोड़े पत्ते अच्छे से साफ साफ काट कूट के रख लिए हैं जो ग्रीन से हैं और सॉफ्ट हैं, जिसमें कोई गांठ नहीं है, इसमें डंडी वगैरह भी होती है वो सब काट दी मैंने, बिल्कुल एकदम छोटे छोटे कायदे से पत्ते निकाल लिए हैं। तब मैंने इनको एक एक करके परत लगाते हुए उनको बनाया, कितने ज़्यादा ख़राब निकल गए आप देख सकते हैं। तो चीज़ खाओ तो अच्छी खाओ, ख़राब मत खाओ। मैंने सारे हटा दिए ख़राब, मैंने अच्छे अच्छे निकाल लिए पत्ते, चाहे तोड़ के काट के छोटे टुकड़े में कैसे भी करके आप बनाओ, टेस्ट वही रहता है बस। वैसे आपके पास छोटे छोटे पत्ते हो तो ज़्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि वो सॉफ्ट होते हैं, वो चुभते नहीं है गले में जब आप खाएंगे। तो ये मैंने सॉफ्ट सॉफ्ट पत्ते पत्ते काट लिए थे बिल्कुल मुलायम मुलायम से, अदरवाइज वो सारे बेकार से मैंने हटा दिए थे। तो ये देखिए 2 के लिए ही बैटर मेरा कंप्लीट तैयार था। मुझे पता था पत्ते खराब निकलेंगे तो मुझे इतना ही बैटर बनाना, तो ये दोनों बन गए हैं। अब मैं निकालूंगी अपना स्टीमर। तो गैस जलाएंगे, स्टीमर में सबसे पहले पानी रखेंगे बॉयल करने के लिए। जैसे ही पानी अच्छे से खौल जाएगा तो हम इसमें लगा देंगे इसकी जाली। ये जो स्टीमर है ये स्टीमर है कि एक छन्नी आई है स्टीमर वाली और 2 हैं इडली बनाने वाले और 2 हैं ढोकला बनाने वाले। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मैंने ये अमेजोन से खरीदा था, इसका लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चाहो तो ले सकते हो। और बस 15 मिनट में हैं हमारे ये जो है पत्ते हैं वो स्टीम हो चुके हैं और मैंने इनको फूक लगा के देखा था, एकदम प्रॉपर बढ़िया पके हैं। कुछ भी कहो बने, बड़े टेस्टी थे चाहे कैसे भी हो। तो किनारे की जो शेप है वो हमने काट के अलग कर दी है और ये देखिए बीच से कितने अच्छे से बढ़िया बन के तैयार हुए हैं जैसे बनते हैं। और छोटे छोटे पत्ते, मतलब मैंने तोड़ तोड़ के पत्ते लगाए थे ना, इसकी वजह से लेयर काफी है, तो छोटे छोटे ही पत्ते इस्तेमाल करना, अगर बड़े हो तो काट के इस्तेमाल करना, लेयर ज्यादा बनाना, खाने में बहुत टेस्टी लगेंगे। तो आप इसे फ्राई करके भी खा सकते हो या फिर आप ऐसे ही खा सकते हो। अब मुझे ही खाने हैं, सिर्फ मुझे ही खाने हैं, तो मैंने इसको फ्राई नहीं किया है। और अब मैं बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए थोड़ा सा पोहा। आप देख सकते हैं कितना थोड़ा सा है पोहा, ये सिर्फ और सिर्फ मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ। ग्रीन मटर, ग्रीन चिली और मूंगफली के दाने, ये सब डाल के मैं इसको फटाफट बना ले रही हूँ। मैं पोहे में चीनी जरूर डालती हूँ, आप लोग पूछते हो तो मैं बता देती हूँ, मैं चीनी डालती हूँ। पोहा बन जाने के बाद मैं बंद करके गैस को कुछ मिनट के लिए पोहे को ढक देती हूँ, जिससे पोहा और अच्छे से फूल के बढ़िया बनता है, बहुत ही टेस्टी। और जब पोहा कम बनता है उसी दिन मेरे यहाँ पोहा बहुत टेस्टी बनता है, ऐसा ही होता है मेरे साथ, आई डोंट नो पता नहीं क्यों, बट होता है ऐसा। गर्मा गर्म चाय तैयार है, मेरे अरबी के पत्ते तैयार हैं, यहाँ पे हस्बैंड का और आद्या का पोहा तैयार है। आप ऊपर से भुजिया भी डाल सकते हो, कोई भी नमकीन भी डाल सकते हो। तो चलिए नाश्ता करते हैं। जस्ट नाश्ता करने के बाद मैंने इनसे बोला कि मुझे बेड
बेडरूम को सेट करना है। तो मैं नाश्ता करने के बाद अपने बर्तन वगैरह थोड़े से क्लीन करने चली आई थी, तब तक मैं बर्तन क्लीन करके जब पहुंची तो मैंने देखा मेरे हस्बैंड ने जो ये बेड है वो ऑलमोस्ट खाली कर लिया था और इसको सरकाने की तैयारी हो गई। जी हाँ, मैं कर रही हूँ अपने रूम का फुल मेकओवर, तो आप देख सकते हैं। अदरवाइज आज मैं कुछ अलग से कुछ पैसा खर्च करके कोई चीज लगाने वाली भी नहीं हूँ, बट ये है कि मैं सामान इधर से उधर करके करने वाली हूँ। तो पहले नीचे जो ईंट लगी हुई थी जिसको मैंने कवर करके रखा हुआ था उनको हटाया है और उसके बाद धीमे धीमे धक्का लगाकर सरका रही हूँ, और आधे अभी पीछे धक्का दे रही है। हाँ, तो हस्बैंड मेरे देख के हंस रहे थे, हाँ पत्थरो लगाओ धक्का, पत्थरो मेरी लगाओ धक्का, वही है। और ये जो पीछे जो होता है ना तो जाला वगैरह लग जाता है, उसको मैं साफ कर रही हूँ, क्योंकि जब बेड इस साइड से उस साइड हो रहा है तो जगह तो साफ करनी चाहिए, क्योंकि उसके नीचे कभी कभी नहीं हो पाता है। हालांकि इसीलिए हम लोग इसमें ईंट लगा देते हैं फोल्ड करके, ताकि ऊंचा रहे बेड और झाड़ू पोछा के लिए, मोप भी अंदर चला जाता है और झाड़ू भी चली जाती है और बेड के नीचे सफाई भी रहती है, तो इसीलिए ये करते हैं। और जो रैगजीन मैं पुराने वाले घर में अपनी किचन में बिछाई थी, ये वही रैगजीन है जिनको मैंने ईंट में फोल्ड किया है हुआ है, और वही रैगजीन जो बची हुई थी मेरे पास बेड के अंदर, देखिए कितनी बिछा के रखी है। इससे ना बेड एकदम क्लीन साफ रहता है, पेपर बिछाएंगे ना तो सिकुड़ जाता है या पेपर इधर उधर हो जाता है, लेकिन जो रैगजीन बिछी है ना वो परफेक्ट बिछी रहेगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बेड लगा दिया है, बड़ा सोच समझ के ये बोल रहे थे ये नहीं आएगा वो नहीं आएगा। आप लोगों को पता है कि पहले यहाँ पे अलमारी भी थी, लकड़ी वाली अलमारी भी थी, तो अब हम लोगों ने क्या किया, इस साइड ड्रेसिंग कर दी है, इस साइड में बेड कर दिया है, और अब मैं लगाने लगी हूँ बेड में सारा सामान। एक बात और मैं बताना चाहती हूँ, मुझे बेड में सामान लगाना हो या फिर बैग पैक करने हो या अनपैक करने हो, करती तो हूँ, लेकिन मुझे इतना अच्छे से नहीं आता है बैग को पैक करना जितने अच्छे से मेरे हस्बैंड को आता है। वो क्या करते हैं, बैग में जो कपड़े लगाएंगे वो ज़्यादा ज़्यादा कपड़े पैक कर लेंगे फोल्ड करके, मैं जब करूँगी तो कपड़े कम फोल्ड होंगे, बैग ज़्यादा मैसी दिखेगा। तो ये थोड़ी सी ट्रिक होती है जो मुझे कम आती है, मेरे हस्बैंड को ज्यादा आती है, तो वो देखो बताते जा रहे हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, तो बार बार मैं ठीक कर रही हूँ और वो देखो कितने अच्छे से सेट कर देंगे पूरा, ये भर देंगे और हमारा बेड वो भी भर गया है। और बेडरूम कैसा लग रहा है ये जरूर बताना, मैं इसका पूरा लुक अभी दूंगी जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब। अभी आपको थोड़ा सा और मैसी लग रहा है, पता है कि वो जो साइड में टेबल रखी, वो छोटी टेबल रखी है और वो रैक मल्टी कलर वाली रैक है वो रखी हुई है, और ये ब्लू वाली अलमारी ये रखी हुई है, थोड़ी सी और सी लग रही है। अभी मैं इसका भी कुछ करती हूँ, वो भी मैं दिखाती हूँ। मेरे पास बेडशीट है नहीं, पर मैं नहीं अभी नहीं निकाल रही हूँ, बाद में निकालूंगी, क्योंकि जितनी भी आप बेडशीट नहीं निकालते रहोगे उतनी ही जल्दी जल्दी खराब होती रहेंगी। तो सारा बैग पैक, बेड पैक हो चुका, देखिए कितने टाइडी पैक हुआ है, ऊनी कपड़े, रजाई, कंबल, हर चीज, बेडशीट, बैग, बहुत सारी चीजें होती हैं गृहस्थी में। और क्या बताएं, किराए पे घर पे रहो चाहे वैसे घर पे रहो, सामान तो बढ़ ही जाता है। यहाँ पे हम लोग कुछ डिस्कस कर रहे थे बेड के बारे में, तो वही है, हम लोग को आगे चलकर इस बेड में सामने की तरफ देख रहे हो यहाँ फॉर्म लगवाना है, जो आजकल लुक अच्छा देता है ना वैसा वाला फॉर्म लगवाना है, पर लाइट कलर नहीं लगवाऊंगी। साथ साथ जब इतना ही काम हो रहा था तो मैंने बोला चलिए अब बेड के ऊपर चढ़ के फैन भी साफ कर दो, तो वो भी हो गया है, फैन भी साफ हो गया है। अब मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, पता है क्या है, जो ब्लू वाली अलमारी है वो मैंने लगा दी है वहां जहाँ नीली वाली वो छोटी वाली रैक लगी थी, और रैक को दूसरी जगह लगाऊंगी। तो कुछ इस तरीके से मैंने सारा सेटलमेंट बनाया है। तो अभी मैं आपको पूरा लुक दिखाऊंगी, आप बने रहिएगा। तो पहले कर लेते साथ ही साथ झाड़ू, और ये सारा काम मैं तभी कर पा रही हूँ जब डक सो रहा है, डक सो जाता है तभी मैं सारा काम करती हूँ, क्योंकि बीच बीच में रुक रुक के गंदे हाथों से उसे उठाना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। तो मैं ऐसे ही लगा रही थी, मेरे हस्बैंड ने बोला यार दुपट्टा पट्टा बांध लो, बादल में गंदी मतलब धूल वगैरह चली जाएगी बहुत। और एक चीज और कहना चाहूंगी, जब आप एक जगह से दूसरी जगह सामान शिफ्ट करते हैं तो आपके एक कम रूम का जो लुक है वो बदल ही जाता है। और झाड़ू लगाने के बाद साथ ही साथ तुरंत मैं मोप कर दे रही हूँ, ताकि जो भी गंदगी डस्ट जो भी हो वो साफ हो जाए, फैन से उड़े नहीं। सारा मेरा रूम है वो बस क्लीन हो गया है फटाफट। तो आपको मैं दिखाऊंगी इसका पूरा लुक कि कैसा लगता है, और अगर मैं कुछ और इसमें ऐड करना चाहूंगी, कुछ खरीद के अच्छे से डेकोरेट करना चाहूंगी वो मैं अलग से बनाऊंगी। पर्दे मुझे खरीदने हैं और लॉकडाउन में नहीं हो पा रहा है, बहुत जल्द मैं खरीदूंगी। सो गाइस, ये देखिए इतना सब हो गया है, अब बारी आती है कि मैं यहाँ का
जो टैडी वगैरह है उनको भी उठाकर ऊपर रखना है, तो वो भी मैं करूंगी। डोंट वरी, पहले पोछा तो लग जाए पूरे में। तो टेबल एक साइड में रखी हुई है वैसी, वो वैसे ही रहने दी है। एक बात और कहूंगी कि यहाँ पे ना स्पेस बहुत मिल गया है, आप देख सकते हैं। पहले वहाँ अलमारी लग रही थी, बीच में बेड रहता था, साइड साइड में थोड़ा सा स्पेस मिलता था और रूम भी भरा भरा सा लगता था, झूला भी बच्चे का रखता था। तो आप देख सकते हो नीचे मैंने ईंटें भी लगा दी हैं कवर करके, बिल्कुल कायदे से लगाए हैं ताकि इधर उधर टकराए नहीं, और बेडशीट भी छा दे रहे हैं, गद्दा लग चुका है। जो ये टेडी बियर है इनको भी मुझे सही से लगाने हैं, अलमारी उसके ऊपर रखे हैं ड्रेसिंग पे, उनको भी ठीक करके लगाना है। पता है क्यों? क्योंकि इनको मैं वहीं रखने वाली हूँ, उस वाले रूम में नहीं रखूंगी। वहाँ ना पानी वगैरह आ जाता है, कभी कभी दिक्कत हो सकता है, कभी गीले हो जाए कभी कुछ, और यहाँ पे ना सॉफ्टवेयर अच्छे लगते भी हैं। तो बस बेड के ऊपर चढ़कर उसको पहले ऊपर वाली पोर्शन को साफ कर देंगे, उसके बाद उसमें अच्छे से टैडी है उसको ऑर्गेनाइज कर देंगे। और यहाँ पे मैडम आद्या है जिनको अपनी डॉल मिल चुकी है, जो कि बहुत अच्छी लगती है डॉल ये, और उसके साथ खेलने में लग गई है, पोछा वगैरह लग चुका है, रूम साफ है इसलिए वो अच्छी लग रही है। अच्छे से बैठ खेल रही है फर्श पे, गंदगी बिल्कुल भी नहीं है। और सामने वाली ब्लू वाली अलमारी में एक शोपीस रख दिया है मैंने, तो वो रखा हुआ है, थोड़ा सा उससे सजा दूंगी, थोड़ा सा इधर सजा दूंगी। और बहुत थक गई हूँ, ये सारा काम हो गया है। और एक चीज और बताने वाली हूँ मैं आपको, आज ही आज के दिन, आज की जो दिन, आज के जो दिन है उसको तारीख मैं मेंशन कर दूंगी ब्लॉग में। तो राखी आई हुई थी मेरी ननद के यहाँ से, और आप ये जो ब्लॉग देख रहे होंगे तब राखी जा चुकी होगी, या फिर राखी वाला दिन होगा, राखी जा चुकी होगी, आई थिंक ये राखी जा चुकी होगी तब का ये ब्लॉग, तब ये ब्लॉग जाएगा। तो ये राखियाँ हैं जो मेरे हस्बैंड के लिए, मेरे बच्चे के लिए, आई मीन आद्या के लिए, एक मेरे लिए, और दक्ष के लिए भी आई है। आई थिंक सभी, हम सभी लोगों के लिए राखी आई है, दीदी के यहाँ से, ये एक दीदी के यहाँ से आई हुई है। मेरी जो ननद है वो 8 ननद है। काफी लोग पूछते हैं कितने भाई बहन है आपके हस्बैंड, मेरी खास ननद 4 है, टोटल ननद मेरी 8 है। मेरे खास हस्बैंड अकेले एक भाई है, और वैसे तो मेरे हस्बैंड कुल मिला के 5 भाई हैं। इतने लोग हैं, और ये राखी दिखा रही हूँ मैं आपको, रूम दिखा रही हूँ, पहले आपको देख लीजिए रूम कैसा लग रहा है। बेड सामने है, साइड में ड्रेसिंग टेबल है, उससे साइड में ब्लू अलमारी है, टीवी में जो तार लटक रहे हैं उनको भी अंदर करना है। मैंने रैक, वो जो रैक है ना मल्टी वाली, वो उसके पीछे रख दी है चेयर के, तो वो उधर आ गया है। तो सारा काम हो गया है, लुक अच्छा आ रहा है और स्पेस बहुत मिल गया है। ये सब तो काम होते रहते हैं। साथ ही साथ मेरे यहाँ बारिश शुरू हो चुकी थी सीतापुर में, बहुत जोरों शोरों की, आप देख सकते हैं कितनी तेज वाली बारिश हो रही है। पानी फटाफट नीचे उतरता चला जा रहा है, मकान मालिक के यहाँ नीचे फटाफट भरने वाला है। और मैंने बनाई है गर्मा गर्म से आलू की सिंपल सब्जी, आलू और टमाटर की, क्योंकि तो इतना थक गए थे कि कुछ नहीं समझ में आया, फटाफट सिंपल तरीके से राई जीरा के आलू है वो छौंक दिए हैं, ये बन के तैयार है। थोड़ा सा धनिया डाल दिया, धनिया बहुत महंगा है, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत बताया पिछले वीडियो में कि धनिया मेरे यहाँ ये रेट है, किसी के यहाँ ये रेट है, अच्छा लगा सुनकर, आप लोग शेयर करते हो। और ये आटा लगा दिया था और पराठे बना लिए गर्मा गर्म, और हम लोग खाएंगे सब्जी और पराठे और बारिश का लेंगे मज़ा। तो चलिए बारिश का मज़ा लेते हैं, और मैं अपने इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। बारिश के मजे में बारिश का मजा है। सो गाइज, आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल इंडियन ब्लॉगर प्रियंका पाटकर। मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ में, 4 बज चुके हैं, आई बजने वाले हैं। सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।